हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बड़े अच्छी जो है वो ट्रेडिंग कर रहे होंगे। अच्छा जी, तो कल तो मैंने एनालिसिस किया नहीं था, मैंने बल्कि पोस्ट लगा दी थी। ज़रा कल जो है ना, एक लथार्जिक सा, अजीब सा, एक हेडेक सा हो रहा था, तो इसलिए मैंने ये पोस्ट जो है वो लगा दी थी, क्योंकि कल न्यूज़ वगैरह थी, तो इसलिए मैंने आपको अपडेट करना ज़रूरी समझा था। मैंने आप बता दिया था कि मैं थोड़ा सा अजीब सा फील कर रहा हूँ, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। ठीक है, तो कल परसों हमने ये वाला एनालिसिस किया था, इसमें आप जाके देख सकते हैं। हमने इसको एनालाइज किया था और देखें, मैंने आपको जैसा कहा था एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा का वैसा ही हुआ, ना ऊपर ना नीचे। मैंने ये एरिया मार्क किया था, ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मार्केट जाएगी, हालांकि ऊपर भी एरिया था, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से जाएगी, और मैंने आपको उसी वीडियो में बताया था कि यहाँ पर एक इक्वल हाई, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे मार्केट एसएल हंटिंग कर सकती है। मैंने ये लाइन लगा दी थी कि यहाँ तक मार्केट कर सकती है, और एग्जैक्टली देखें मार्केट यहाँ तक आई है, ठीक है। थोड़ा सा बल्कि एक पिप से मार्केट इसको छूकर नीचे की तरफ आई, मार्केट ने क्लोजिंग दी, मैंने भी यहाँ पर एंट्री ली, मैं इस जगह पर निकल गया था, ठीक है। और आप लोगों ने एंट्री ली हुई है यहाँ तक के लिए, कईयों ने अभी मुझे किसी ने भेजा था, उन्होंने यहाँ पर जो है क्या कहते हैं ब्रेक इवन करके, वो पता नहीं भूल गए क्या हुआ, और उनकी अभी क्लोजिंग तो प्रॉफिट में हुई है, लेकिन ये सारा प्रॉफिट उनका निकल गया। तो ये मैं आपको बताता हूँ, जब भी मार्केट कोई लो ब्रेक कर दे तो आप वहाँ पर उसको मूव कर दें, एसएल को ब्रेक इवन करके छोड़े ना, तो आपका इतना सारा जो अभी प्रॉफिट था वो ज़ाया हो चुका था, ठीक है। और अब मार्केट ऊपर जा रही है, अभी देखते हैं इसको क्या करते हैं। यूरो यूएसडी का भी कुछ इसी तरह का हमने जो है वो एनालिसिस किया था, ये आप देख सकते हैं 15 मिनट का ये वाला। और मैंने इसमें भी आपको बताया था कि ऊपर फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, और ये वाला एरिया यहाँ तक मार्केट जो है वो आ सकती है, मैनिपुलेशन कर सकती है, और मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही किया, मैनिपुलेट किया और मार्केट ने क्लोजिंग दी नीचे, ठीक है। अगेन मार्केट ऊपर तक आई, जो मैंने ये मूव बनाया था ये देखें, आप देख सक रहे हो। तो ये वाला एरिया मार्केट ने जो है वो ब्रेक डाउन किया, जो मैंने यहाँ पे मार्क भी किया हुआ है, और यहाँ तक का मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक टच किया इसको, और दोबारा मार्केट जब आई है उस मार्केट ने बड़ा ब्रेक डाउन दिया नीचे तक का इसी एरिया से। तो अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्शन देख सकते हैं कि किस तरह की होती है, आपको एक एक चीज़ मैं टेक्निकली समझाता हूँ। देखिए, मैंने इसीलिए आपको यहाँ पर बाय नहीं बताई थी, मुझे मालूम था कि इस तरह के मामला हो सकते हैं, ठीक है। तो एक एक चीज़ ये सिर्फ ऐसे तुक्के से मार्क नहीं किए जाते, मैंने आपको पूरी एक स्ट्रेटजी बताई भी है, सिखाया हुआ भी है, और किस तरीके से मैं मार्क करता हूँ ये मैंने आपको बताया हुआ, ठीक है। तो आप इसको एनालाइज करते हैं, हम जरा सेंटिमेंट देख लें, क्योंकि सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आज फॉरेक्स सेक्टर भी देख लेते हैं, कल तो न्यूज़ थी, तो फ्राइडे को भी न्यूज़ है, 5:30 बजे न्यूज़ है और 7 बजे न्यूज़ है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत बड़ा डाउनफॉल दिखा रही है मार्केट के, यूएसडी बहुत ज़्यादा वीक होगा, और यूएसडी बहुत टाइम से वीक चल रहा है, बहुत टाइम से इसकी जो आप समझ लें कि डब्बा गोल हुआ हुआ है यूएसडी का, अमेरिका का। और यहाँ देखें -90 पॉइंट इन्होंने प्रीवियस है, और इन्होंने प्रिडिक्शन की हुई है कि 9.9, यानी तकरीबन को 10 अशारिया मार्केट 8.1 जो है वो गिरेगी, ठीक है। और अगर ये फिगर आती है तब भी मार्केट क्रैश करेगी नीचे की तरफ यूएसडी की, ठीक है। अगर इससे थोड़ी सी ऊपर आती है, 9.10 आ जाती है, 12 आ जाती है, 15 भी आ जाती है, तब भी मार्केट गिरेगी, ठीक है। और नीचे वाला तकरीबन ये भी माइनस में ही दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन ये वाला जो एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो क्रैश कर सकती है मार्केट 5:30 बजे। तो आपने जहन में रखना है, अगर ऐसा होता है कि मार्केट क्रैश करे, जो कि 90% चांसेस हैं, तो यूरो यूरो यूएसडी जीबी यूएसडी ये ऊपर चले जाएंगे, ये मार्केट क्रैश कर जाएगी यूएसडी की, ये ऊपर जाएंगे, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी कैड, ये जो है वो ऊपर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मेन करेंसी यूएसडी और बाकी जेपीवाई सीएचएफ कैड ये नीचे गिरने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ऑजी यूएसडी ऊपर जाएगा, न्यूजीलैंड यूएसडी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट काम करेगी अगर ये न्यूज ऐसी की ऐसी आती है तो ये हमारा हो गया फंडामेंटल। जरा टेक इस पे देख लेते हैं सेंटिमेंट में क्या है। सेंटिमेंट में मार्केट जो है वो सेल दिखा रही है,
और मुझे लगता है 2 हफ्ते से सेल में है मार्केट। यहाँ पर देखें मार्केट थोड़ी सी मैनिपुलेटिव लग रही है मुझे, यहाँ पे डेली में देखना पड़ेगा, डेली एफएक्स में। अभी हम टेक्निकली भी देखेंगे चीज़ों को। यहाँ पे गोल्ड मिक्स का साइन दे रहा है, इलस्ट्रेशन हम देख लेते हैं मार्केट क्या दिखा रही है। यहाँ पर मार्केट सेल के अंदर दिखा रही है और यहाँ पर भी मार्केट जो है यहाँ बाय में दिखा रही है, लेकिन ओवरऑल ये वाली एरिया सेल है तो ये भी सेल में हो सकती है। ये डेली एफएक्स में मैं आपको बता दूं, इनकी जो रिपोर्टिंग है वो थोड़ी लेट होती है, तो हो सकता है यहाँ पर ये इलस्ट्रेशन पुरानी दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो हम टेक्निकल अब देख लेते हैं चीज़ों को। यूरो यूएसडी को पहले देख लेते हैं, इसका जो व्यू है वो फिलहाल सेल का है। डेली हम क्लोजिंग इसकी देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल अगर आप मार्केट को देखें तो मार्केट डाउन के अंदर है, लोअर हाई एंड लोअर हाई मार्केट बना रही है, प्रीवियस लो मार्केट ब्रेक करती हुई जा रही है। ठीक है, यहाँ पे इस करेक्टिव वे को आप देखें तो मार्केट ने यहाँ पे लेस प्रोबेबिलिटी चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट ने किया। ठीक है, मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया नीचे की तरफ, यहाँ मार्केट ने प्रॉपर चेंज ऑफ करेक्टर किया, यहाँ मार्केट ने प्रॉपर एक BOS आई थिंक लिक्विडेशन थोड़ी कर दी है, वरना इसकी तरफ मार्केट अभी बढ़ रही है। ठीक है, बिल्कुल लिक्विडेशन जो है मार्केट ने यहाँ पर कर दी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडेशन कर दी है, जो कि अभी साइन दिख रहा है कि मार्केट जो है मजीद नीचे जाने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है इंतहाई सेल में दी है, और यहाँ पे कोई ऐसा खास एरिया नहीं है जो मार्केट को ऊपर की तरफ पुश कर सके। ये वाला एरिया ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे मार्केट में बिल्कुल कोई इम्बेलेंस नहीं है, फिल हुआ हुआ है, तो इतना ज़्यादा हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, हम नीचे जाने की ट्राई करेंगे। हो सकता है मार्केट जो है वो इस जगह तक थोड़ी सी ट्रेवल करे ऊपर तक। ठीक है, H4 देखते हैं। डायरेक्ट H1 में जाएंगे। मार्केट ने ठीक ठाक जो बैलेंस जो है यहाँ पे छोड़ा है, कोई अच्छी जगह यहाँ पर दिख नहीं रही फिलहाल। M13 में जाएंगे, यहाँ पे भी कोई बाय का सीन भी नहीं है ऐसा। M15 लास्ट हम देख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आप देखें स्ट्रक्चर पे, तो यहाँ पे आपको एक टाइनी सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये वाला। हम यहां तक इसको मार्क कर लेते हैं। और देखिए मार्केट में जब भी इस तरह की कोई कैंडल होती है, वो मार्केट इसको पूरा फिलअप नहीं करती ऊपर हाई तक, तो उसका क्या मकसद होता है, मैंने आपको सिखाया था, वो होता है इम्बेलेंस। हम 5 मिनट में जाके भी देख लेते हैं, आपको मैं दिखा दूं। तो ये देखें यहां पर इम्बेलेंस बना हुआ है। ठीक है, लेकिन ये इतना कोई पावरफुल मूव नहीं है। यहाँ पर एक एरिया और है, हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है, ये वाला, ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है, और एक मेन एरिया हमारे पास ये वाला मौजूद है। ठीक है, 1.07287। ठीक है, आप इम्बेलेंस देख सकते हैं, ये उसका मूव नहीं है, फंडामेंटल मूव ये है, ये प्रॉपर मूव हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये वाला जो है इसमें आप समझ लेंगे 30% चांसेस है कि इसमें मार्केट कुछ मूव हमें दिखा सके। ठीक है, क्योंकि इम्बेलेंस इतना कोई खास नहीं है, और मूव जो है मार्केट का वो बिल्कुल तकरीबन ना होने के बराबर, बल्कि मैं इसको एज अ स्ट्रक्चर ही मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, आप लोग कंफ्यूज ना हो, मैं इसको यहाँ पर स्ट्रक्चर के तौर पे मार्क कर देता हूँ। ये हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमारा मेन पॉइंट ये वाला रहेगा। बाय की अगर मैं बात करूँ तो बाय हमारे पास कोई भी स्टेब्लिश बाय यहाँ पर फिलहाल नहीं दिख रहा है, तो हम इसको आपने देखना है 1.06886 1.06886। ठीक है,
इसको आपने देखना है, और ये वाला एरिया आपने देखना है यूरो यूएसडी का। गोल्ड में आ जाते हैं, गोल्ड में इसको सबको रिमूव करते हैं। यहाँ पे हमें थोड़े से बाय के साइन दिख रहे हैं, जैसा एक्सपेक्टेड था यहाँ पर के इस एरिया से मार्केट ऊपर की तरफ थोड़ा सा ऊपर आ सकती है। अच्छा, ये क्लोजिंग मार्केट ने दिए वो बाय में दिए यहाँ पर, ठीक है। मार्केट ने इस एरिया को लिक्विडेट किया है, ठीक है, इस एरिया को और इस एरिया को मार्केट ने लिक्विडेट किया है। H4 में आते हैं, H4 में मार्केट ने यहां से इसको ऐसा डिमांड लिया है, और यहां अगर आप देखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। और ये एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी है, मार्केट अभी करेगी। H1 में आते हैं, H1 में हमारे पास कोई खास एरिया नहीं दिख रहा है। M13 में देखते हैं, M13 में भी ये वाला एरिया तो है। 15 मिनट में देखते हैं, 15 मिनट में हमारे पास ये वाला एरिया, नीचे भी एरिया मौजूद है, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे भी हम इम्बैलेंस की जो है वो लाइन लगा देते हैं, ताकि मार्केट अगर नीचे आती है तो हमें पता लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, फेयर वैल्यू गैप FVG, ठीक है। और ये हमारा डिमांड एरिया हो जाएगा 1908.01 है, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे भी आप मार्क कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी ऊपर H1 के अंदर मार्क किया हुआ, H4 में बल्कि, ठीक है। तो ये हमारा एरिया रहेगा अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है, ठीक है। मार्केट नीचे की तरफ आती है तो इस तरह का मूव भी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट में नीचे फेयर वैल्यू गैप है। तो आप बेहतर होगा यहाँ फेयर वैल्यू गैप तक का जो है वेट करें, ऊपर मार्केट इसके क्लोज करती है डिमांड के, तो आप यहाँ से एंट्री पकड़ सकते हैं, ठीक है, ऑन कंफर्मेशन। और ज़रूरी नहीं है मार्केट यहीं आए, मार्केट सिंपल यहाँ से भी आ सकती है, ठीक है। ये एरिया है हमारे पास 1908.008, और ये फेयर वैल्यू गैप है 1905.20, ठीक है। और इसका टारगेट प्रीवियस हाई जो मैंने आपको बताया था, जो भी होगा प्रीवियस हाई हमारे पास वो रहेगा। सेल हम देख लेते हैं कि कोई हमारे पास अच्छी सी यहाँ पर सेल अगर दिख जाए। ये एरिया बड़ा प्यारा था, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर टेस्ट किया हुआ है इसको। अभी हमारे पास जो एक हमें, अच्छा आप यहाँ पे देख सकते हैं H1 के अंदर हमें एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये लोअर हाई तो मार्केट ने बनाया हुआ, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने लोअर लो नहीं बनाया, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, हायर लो क्रिएट किया हुआ, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि मार्केट इस जो हाई है इसको क्या कहते हैं ब्रेक करके मार्केट हायर हाई पे जाए। तो हमारे पास जो पहला टारगेट रहेगा वो ये वाला रहेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर मार्केट आएगी तो हमारे पास ये वाली सप्लाई, ये फिलहाल मार्क नहीं कर रहे, मार्केट आती है यहाँ पर तब इस पर बात करेंगे। फिलहाल आप इस एरियाज को ही मार्क करके रखें, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर सारे लिक्विडेशन पॉइंट हैं, पहला टारगेट ये रहेगा आपका, दूसरा टारगेट आप इसको मार्क कर सकते हैं, तीसरा हमारे पास ऑलरेडी मैंने मार्क यहाँ पर किया हुआ। अगर स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर ये मौजूद है, तो इसको भी आप ऐसा जो है टारगेट यहाँ मार्क कर सकते हैं, ठीक है। सेल के यहाँ पे जब चांस मिलेंगे तब देखेंगे, अदरवाइज यहाँ पे फिलहाल सेल के कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। सेंटीमेंट तब्दील हो जाता है अगर मंडे वाले दिन, तो हम जब वीकली एनालिसिस करेंगे कल, तो सिचुएशन वाजे हो जाएगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं कल वीकली एनालिसिस में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।